ग्रीटिंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #किरण में। आज मैं जो है मीशो बैग हॉल लेके आई हूँ। यस, तो मैंने ना थोड़े बहुत जो है बैग्स है ना जो मीशो से परचेस किए उसी का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने बैग्स जो है पहले यूज किए अच्छी तरीके से और फिर इसके बाद में इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ कि ये बैग्स कैसे है और यूज करने के बाद ये अच्छे है या नहीं, मतलब आप ले सकते हो या नहीं, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहला जो बैग है वो है ये वाला छोटू सा बैग है। आप अपने बच्चों के लिए वगैरह भी ले सकते हो, मतलब आपकी बेटी वगैरह होगी तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो ये बैग। लेकिन एक्चुअली ये बनाया गया है बड़ों के लिए, आप देख सकते हो। तो बहुत ही प्रिटी ऐसा ये बैग है, तो बच्चे भी कैरी कर सकते हैं और आप भी इसको यूज कर सकते हैं। या आपके पास कोई मतलब लहंगा हो, आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आपने लहंगा वगैरह पहना है या फिर वन पीस पहना है तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इसी का ये एक मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये बहुत ही छोटू सा है, और दूसरी बात मतलब इसमें कुछ मोबाइल वगैरह नहीं आएंगे आपके। ये सिर्फ जो है स्टाइल के लिए है, आप स्टाइल के लिए अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इस प्रकार इसका स्लिंग दिया गया है, इसमें बहुत सारे जो है कलर्स भी अवेलेबल है, आपको जो कलर चाहिए आप ले सकते हो। मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा सो मैंने ये यूज कर लिया। ये मुझे अराउंड कुछ आई थिंक 250 या 300 का कुछ मिल गया है मीशो से, तो बहुत ही अच्छी मुझे डील लगी है, तो अच्छा है। तो आगे चल के मेरी बेटी भी इसको यूज कर सकती है, इसके लिए मैंने ये ले लिया है। तो अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है तो सोचा कि क्यों ना परचेस कर ही ले। तो ऐसा एक बैग आपके पास हमेशा होना चाहिए कि स्टाइल के लिए आप यूज कर सकें, और बहुत ही अच्छा है। इसमें आप कुछ जो है पैसे वगैरह कैरी कर सकते हैं आराम से। आपका अगर छोटा मोबाइल है एकदम छोटू सा तो वो आप यूज कर सकते हैं, बड़ा वाला तो एंड्रॉयड फोन तो बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा, छोटू सा है क्योंकि ये बैग स्टाइल के लिए यूज कर सकते हो या फिर आप अपने बेटी के लिए वगैरह ले सकते हो। तो इस प्रकार ये बैग है, तो बहुत ही अच्छा लगा, आप ले सकते हो ये वाला बैग। तो इसके लिए थम्स है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिलिकॉन मटेरियल में है ये। और ये जो है ना इसका अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बिल्कुल भी नहीं खराब नहीं होने वाला है, मतलब सिलिकॉन मटेरियल के जो भी पर्सेस होते हैं ना वो खराब नहीं होते, किसी से कट नहीं होते साइड से, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ऐसा एक बड़ा सा बैग है तो वो भी सिलिकॉन मटेरियल में ही है, तो वो भी अभी तक जैसा है वैसा ही है, मतलब वो खराब नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो इसके लिए मुझे ये सिलिकॉन मटेरियल में था इसके लिए मैंने इसमें ले लिया। तो बहुत और मटेरियल में भी ऐसे वाले बैग्स है, तो अब आपको जो मटेरियल में चाहिए तो आप वो ले सकते हो। तो ये वाला बैग तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हो स्टाइल के लिए। नेक्स्ट वाला जो बैग है वो हार्ट शेप में और बहुत ही ट्रेंड में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ना ये ले ही लिया जाए। और ऐसे ट्रेंड वाले जो बैग्स होते हैं और स्टाइल के लिए जो यूज किए जाते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, और मुझे तो पर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, बैग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा ना परचेस करती रहती हूँ। तो कुछ नया आ जाए तो मैं ले लेती हूँ, तो मुझे ये वाले अच्छे लगे। साइड में इसको स्लिंग भी मतलब आप कर सकते हैं इसको, या फिर एज आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आपको ऐसा यूज करना है तो। और किसी किसी हार्ट शेप में ना ऊपर से जिप दिया गया होता है, बट मैंने ये साइड वाला जिप लिया। इसका रीजन ये था कि अगर ऊपर से आप हार्ट शेप में अगर इसमें जिप लेते हो तो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके लिए अगर आपको ऑप्शन मिलता है वहां पे तो आप वो वाले परचेस कर सकते हो जिसमें जो है यहाँ पे साइड में ये वाला जिप दिया है। आप देख सकते हो सिंगल जिप है, आप स्टाइल के लिए इसको यूज कर सकते हैं आराम से। इसमें मोबाइल वगैरह आ जाएगा और वॉलेट भी आ जाएगा, छोटू सा वॉलेट आ जाएगा और मोबाइल भी आपका आ जाएगा, तो मुझे अच्छा लगा। और इसमें स्लिंग भी दी गई है तो ये भी मुझे अच्छा लगा। ये भी अराउंड कुछ 250 या 300 के प्राइस में है, तो अच्छी डील लगी मुझे। और ये वाला पिच कलर मैंने इसमें लिया है, फर वाला एकदम सॉफ्ट है, आप इसको धो भी सकते हो, बहुत अच्छा मटेरियल में है ये भी, तो मुझे ज्यादा पसंद आया ये वाला। तो ये वाला भी मैं बोलूंगी आपको कि जरूर आप परचेस करो। आपके बैग्स के कलेक्शन में ये वाला ऐसे वाला फर वाला बैग का जो है बैग हमेशा रहना चाहिए, तो इसके लिए भी मैं थम्स करूंगी कि जरूर इसको परचेस करो आप। नेक्स्ट वाला जो बैग है वो ये वाला बैग है। ये वाला बैग तो आपको बहुत दिन से ये जो है बैग बहुत ट्रेंड में चल रहा है मीशो में, बहुत ज्यादा इसके जो है रिव्यू आए हैं, तो मुझे ये बैग अच्छा लगा और ये बैग के रिव्यू इतने अच्छे थे कि सोचा कि उन्हें ये बैग जो है परचेस किया जाए। और ये बैग मैंने बहुत पहले परचेस किया है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बैग है, और आप इसको हैंड में भी ऐसे भी कैरी कर सकते हो और सेम आप इसको स्लिंग भी कर सकते हैं, तो इसमें भी सेम कलर का आपको स्लिंग मिल जाएगा। और इसमें इस प्रकार ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे 3 जिप दी गई है और स्लिंग यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं चेन
स्लिंग के लिए बेल्ट दिया है और यहाँ पे 3 जिप दिए तो मुझे अच्छे लगे। अंदर का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी खराब मटेरियल नहीं है। इसको यूज किए अभी मुझे बहुत दिन हो चुके हैं और इसमें आपको ये स्लिंग भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो अच्छा खासा स्लिंग है इसमें, तो आप इसको जरूर यूज कर सकते हो। और ये वाला आप देख सकते हो अंदर की साइड आपको एक सीक्रेट चैन भी मिल जाएगा। तो टोटल 3 जिप है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉक सिस्टम दिया है, आप यहाँ से लॉक कर दिया और आप आराम से इसमें बहुत सारा सामान आपका आ जाएगा। अगर आप ज्वेलरी के लिए या फिर आप कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छा सा जो है हैंडबैग परचेस करना चाहते हैं तो आप ये वाला परचेस कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें जो आपके आराम से आ जाएगी, आप ट्रैवल बैग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो या फिर हैंडबैग के लिए, पर्स के लिए, स्लिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें मल्टीपर्पज आप इसको यूज कर सकते हो, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो आप ये जरूर परचेस करो मैं बोल रही हूँ। और इसका भी प्राइस कुछ 300 के अराउंड कुछ था। साइड में आपको मैं इमेज दे दूंगी कि आप कितने प्राइस का था, नीचे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फोर्थ वाला जो बैग है वो है ये वाला बैग। तो ये वाला बैग ना मीशो पे बहुत ही मतलब स्क्रोल जब मैं कर रही थी ना मीशो पे, तो ये वाला बैग मुझे बार बार दिख रहा था और कॉस्टली था थोड़ा, कुछ 1000 इसका कुछ प्राइस है। 1000 के हिसाब से इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ बट मतलब मटेरियल थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कलर इतना लाइट आ चुका है, वहां पे इतना डार्क कलर था और इतना वो दिखने में इतना सुंदर लग रहा था पीस की मुझे वो रहा नहीं गया और मैंने वो परचेस कर लिया। और आप देख सकते कि मुझे एकदम लाइट कलर में और ये मटेरियल भी 1000 के हिसाब से मुझे वो मटेरियल जो चाहिए होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं आया है। अंदर की तरफ आपको यहाँ पे एक जिप दी गई है, ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ पे आपको जिप दी गई है। और ये वाला जो है इसका स्लिंग है, मतलब ये शोल्डर बैग है, इसके अंदर और कोई भी जिप नहीं है, पूरा मतलब खाली है। बिग बैग था इसके लिए मैंने ये परचेस किया था, क्योंकि बिग बैग की जरूरत मुझे हमेशा होती है मेरी बेटी की सामान वगैरह रखने के लिए, मुझे पसंद आते हैं बिग वाले बैग। और ये थोड़ा स्टाइलिश लग रहा था इसके लिए मैंने इसको परचेस किया, बट मैं इसको आने के बाद बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। आप देख सकते हो बैग, आप इमेज में देखोगे ना तो आपको इतना सुंदर लगेगा कि ऐसा लगेगा आपको परचेस करना चाहिए। और मैं परचेस करने के बाद मुझे ये आया, इतना मुझे बुरा लगा। इसका जो भी है, अगर आपको इसमें एक्सचेंज वगैरह करके मिलता है तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने एक्सचेंज वाला नहीं लिया था क्योंकि इसमें कुछ ऑफर भी था, तो मुझे कुछ 50 या 60 रुपीज कम में मिल रहा था, नो एक्सचेंज नो इसमें। तो मैं मीशो से इतने सारे प्रोडक्ट मंगाती हूँ, तो मुझे लगा कि ये वाला भी अच्छा आ जाएगा, कॉस्टली है तो अच्छा ही आ जाएगा। इस हिसाब से मैंने जो है वो वाला परचेस किया और फिर मुझे उन्होंने ये वाला गंदा सा बैग भेजा है। मुझे मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसकी 1000 के हिसाब से। हाँ आप डेली यूज के लिए वगैरह इसको यूज कर सकते हो, तो आप ये देख सकते हो इमेज भी इतना सुंदर दिख रहा है, इसका लाइट कलर इतना मस्त दिख रहा था ना कि इसके लिए मैंने इसको परचेस किया था। इसका मटेरियल इतना गंदा है और 1000 के हिसाब से बहुत ही गंदा है। ये अराउंड अगर आप मार्केट में अगर ये वाला बैग सेम मुझे जो मिला है वो बैग अगर आपको लेना चाहते हो तो ये अराउंड 250 या 300 के क्वालिटी का मुझे लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। 200 और 300 के भी बैग्स बहुत अच्छे आते हैं, बल्कि ये उसके लेवल का भी नहीं है, बहुत ही गंदा आया है मुझे। तो इसके लिए तो मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल भी आप इसको परचेस मत करिए। इसके रिव्यू नहीं थे लेकिन ये लुक वाइज बहुत ही अच्छा, इन्होंने फोटो वगैरह डाले थे तो उसके लिए मैंने इसको परचेस किया, लेकिन बहुत ही गंदा है, बिल्कुल भी परचेस मत करना इसको। नेक्स्ट वाला और लास्ट वाला बैग सबसे पसंदीदा मेरा बैग है, जो इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो बैग है ये वाला। ये वाला बैग तो सबको आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में था और मीशो पे मुझे दिख गया और मैंने उसको परचेस कर लिया। यस, तो ये वाला बैग कुछ इस तरह से है, इसका बेल्ट इस तरह का है, शोल्डर बैग है, ठीक है, ये स्लिंग वगैरह बैग नहीं है, ये शोल्डर ही है, तो आपको इसी प्रकार इसको यूज करना है। आप फोल्ड करके रख सकते हो इसको, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड होता है और बहुत ही ट्रेंड में ये बैग था, बॉबो बैग करके इसका नाम है, ब्रांड है। और अंदर से बहुत ही अच्छा मटेरियल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है ये, आप देख सकते हो अंदर से यहाँ पे आपको एक सीक्रेट चैन मिल जाएगा और पूरा बाकी जो है ओपन है, इसमें कोई भी पार्टीशन वगैरह नहीं है, ठीक है, तो पूरा ओपन है, सिर्फ अंदर सीक्रेट चैन आपको दी गई है। तो ये वाली मतलब मुझे अच्छा लगा, बिग बैग था इसके लिए मैंने इसको परचेस किया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया। आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं 1 डे 2 डे के लिए,
तो इसमें आराम से आपकी सारी चीजें आ जाएगी। और अगर आप न्यू जो है मदर है तो आपको ये वाले परचेस करने चाहिए, बेबी के सामान वगैरह इसमें आराम से सारी चीजें आ जाएगी। और मैं इसी बैग को लेके हमेशा बाहर जाती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये वाला बैग के लिए तो मैं बोलूंगी आप जरूर इसको परचेस करो। इसका प्राइस कुछ 850 था तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ बाहर जो है ये बैग बहुत ही महंगे मिल रहे थे तो मैंने ले लिया। आपको एक झलक दिखा देती हूँ नजदीक से कि किस प्रकार इसका डिजाइन। इसमें बहुत सारे डिजाइन है लेकिन मुझे ये वाला ही डिजाइन चाहिए था, इसके लिए मैंने ये वाला ही परचेस किया है। तो आप इसको मतलब ना आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये बैग है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये बैग है तो मैं जरूर आपको बोलूंगी कि ये वाला बैग जो है आप जरूर परचेस करो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, आप देख सकते हो, और बिल्कुल भी ऐसा खराब होने के चांसेस नहीं है। मैं बहुत दिन से इसको यूज कर रही है और उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू दे रही हूँ। अगर आपको मतलब ये बड़ा लग रहा है शोल्डर तो आप छोटा भी कर सकते हैं, छोटे के लिए एडजस्ट करने के लिए उन्होंने जगह दी है तो आप उस प्रकार एडजस्ट करके इसको छोटा भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो सबसे पसंदीदार बैग मेरा यही है। तो ये सारे बैग जो है मैंने दिखाए कि मैंने मीशो से ऑर्डर किए, तो आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो।